जय माता मित्रों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पवित्र नदी माँ गंगा के बारे में, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में और उनका उद्गम कहाँ हुआ और इस समय कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले पौराणिक कथा के अनुसार उनका जन्म कैसे हुआ इस बारे में हम बात करते हैं। तो एक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने बड़े ही आदर से एक बार भगवान विष्णु जी के चरण धोए और उस जल को अपने कमंडल में संचित कर लिया और कथा के अनुसार उस जल से माँ गंगा का जन्म हुआ। इस तरह से भगवान विष्णु जी के चरण धोने से माँ गंगा के जन्म हुआ और इस वजह से उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम के पूर्वज महाराजा सगर थे, उन्हें एक दैवीय शक्ति के से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ के घोड़े को, अश्वमेध यज्ञ आपको पता होगा कि यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उस घोड़े को जिस भी राज्य में पकड़ लिया जाता है, इसका मतलब है कि वह राज्य उनका विरोध कर रहा है तो उनसे लड़ाई होती है। अगर वह घोड़े को जाने देते हैं दूसरे राज्य वाले, तो इसका मतलब है कि वो उनका यानी उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं घोड़ा छोड़ने वाले राजा की, यानी अश्वमेध करने वाले राजा की। तो उस घोड़े को इंद्र जी ने यानी अश्वमेध में यज्ञ के दौरान जो घोड़ा छोड़ा गया था उसको इंद्र जी ने पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज शुरू की तो उन्हें पता चला कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांधा गया है और उन्हें लगा कि यह घोड़ा कपिल मुनि ने ही चुराया है। तो वे बड़े गुस्से से उनके आश्रम पर हमला कर दिया और बहुत ही क्षति पहुंचाई। तो कपिल मुनि ने उस समय ध्यान में थे और उनका ध्यान भंग हो गया इस दौरान और उन्होंने बड़े ही गुस्से से उन 60,000 पुत्रों को देखा महाराज सगर के और वे वहीं जल के भस्म हो गए। फिर जब उन्हें पता चला महाराज सगर को, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कपिल मुनि से और अपने 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए उनसे उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा कि अगर स्वर्ग में बहने वाली गंगा, अगर उनके जल से इनका तर्पण किया जाए तो उन्हें शांति मिलेगी। तब उन्होंने बड़ी तपस्या की, बहुत ही प्रयास किए गंगा जी को धरती पर लाने के लिए, लेकिन वे असफल हुए। फिर उनके पौत्र अंशुमान, उन्होंने भी बहुत ही प्रयास किए लेकिन वे भी असफल हुए। उनके पुत्र हुए दिलीप ने भी बहुत प्रयास किए लेकिन वे भी सफल नहीं हो पाए। फिर उनके पुत्र हुए भागीरथ ने प्रण लिया कि वे माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर जरूर लाएंगे। उन्होंने बहुत तपस्या की, तब जाके भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वे गंगा जी को धरती पर भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर गंगा जी का वेग बहुत ही तेज है, इनके भार को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए आप भगवान शिव की प्रार्थना कीजिए क्योंकि वही हैं जो इनके गंगा जी के वेग को संभाल सकते हैं। तब उन्होंने भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए और वे तैयार हुए गंगा जी को अपनी जटाओं में उलझाने के लिए। तब कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ा और भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। फिर धीरे धीरे एक एक जटाएं खोलकर उन्होंने पृथ्वी पर गंगा जी को आने दिया। फिर महाराज भागीरथ ने अपने 60,000 पुरोजों का तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दी। अब हम बात करते हैं इस समय माँ गंगा जी कहाँ बहती हैं और उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, उनका उद्गम कहाँ से हुआ है और वो कहाँ जाके अपना जल गिराते हैं। तो उनसे उनसे जुड़ी और भी जो नदियां हैं उन्हें, जैसे धौली गंगा और अलकनंदा, नंदाकिनी, ये सब नदियां हैं। तो ये उन्हीं की नदियों की सहायक नदियां हैं गंगा जी की। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में एक स्थान है बद्रीनाथ, यहाँ बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में पड़ता है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, उत्तराखंड है, ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है,
अलकनंदा नदी, जिसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं अलकनंदा, अलकनंदा नदी उत्तराखंड से निकलती है और इसमें आगे जाकर एक इसकी सहायक नदी मिल जाती है जिसे धौली गंगा कहा जाता है। यह भी उत्तराखंड से ही निकलती है और यह नदी आके यहाँ इसमें मिल जाती है जिसे धौली गंगा कहा जाता है। धौली गंगा, यह नदी अलकनंदा नदी से जहां मिलती है वहां पर विष्णु प्रयाग बनता है। आपने पंच प्रयाग के बारे में सुना होगा। पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग उत्तराखंड, ठीक है। इसके जस्ट नीचे एक और नदी उत्तराखंड से ही निकलती है, इसे नंदाकिनी नदी कहते हैं। नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी, यह नदी देखिए बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी और उत्तराखंड से ही एक नदी और निकलती है धौली गंगा, जो अलकनंदा नदी में मिलकर जहां इसका संगम है वहां उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है उस संगम को। और फिर यही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो इसमें एक उत्तराखंड से ही निकलने वाली एक नदी नंदाकिनी जो कि आके इस अलकनंदा नदी में मिलती है और यहाँ इसके संगम पर जो प्रयाग बनता है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग पंच प्रयागों में दूसरा प्रयाग है, ठीक है। इसके बाद एक और नदी निकलती है जिसे पिंडार नदी कहते हैं। पिंडार, पिंडार, और वहां के स्थानीय भाषा में वहां स्थानीय नाम भी इसका है कर्णगंगा। कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है इस पिंडार नदी को। तो यह नदी, यह पिंडार नदी अलकनंदा नदी से जहां मिलती है इसके संगम को कर्ण प्रयाग कहते हैं क्योंकि इस नदी को वहां कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ जो प्रयाग बनता है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। कर्ण प्रयाग, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड से ही एक और नदी निकलती है। यहां से मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी, यह थी नंदाकिनी और यह है मंदाकिनी नदी, ठीक है, जो कि केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। और यह मंदाकिनी नदी जहां अलकनंदा नदी में मिलती है यहां पर जो संगम बनता है इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो पंच प्रयाग में चौथा प्रयाग है। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा है रुद्रप्रयाग। अभी तक यह नदी अलकनंदा के नाम से जानी जाती है और यहां भी इसके आगे भी अलकनंदा के नाम से ही बहती है। फिर उत्तराखंड से ही गोमुख या गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसे भागीरथी नदी या किरात नदी के नाम से जानते हैं। जिसे भागीरथी या कह सकते हैं किरात नदी, किरात नदी के नाम से जाना जाता है। और यह नदी जहां अलकनंदा से मिलती है यहां पर देव प्रयाग बनता है। देव प्रयाग, इस संगम को देव प्रयाग कहा जाता है।
देव प्रयाग। अभी तक यह नदी अलकनंदा जो बद्रीनाथ से निकली थी, इन सभी सहायक नदियों से मिलने के बाद यह अलकनंदा ही कही जाती थी, क्योंकि अलकनंदा नदी इन सभी नदियों में सबसे बड़ी थी और ये सब छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां थी। लेकिन यहाँ पर जब ये भागीरथी नदी से मिलकर आगे बहती है तब इस नदी को यहाँ गंगा कहा जाता है। इसके बाद देवप्रयाग के आगे ये नदी जब बहती है तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर यह नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद भारत के और कई राज्यों में बहती बहती यह जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इस नदी को वहां पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक नदी जो कि असम में बहती है जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो वहां उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब यह गंगा नदी जो भारत में है और बांग्लादेश में जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, उन दोनों का माने संयुक्त जल को मेघना कहते हैं, मेघना के नाम से जाना जाता है। उन दोनों का जब दोनों नदियों का जल एक साथ मिलकर बहता है तो उस नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। और फिर वही नदी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहां सुंदरबन का डेल्टा बनाती है जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये हुई बात दुनिया की सबसे पवित्र नदी माने जाने वाली गंगा के बारे में। तो इनका उद्गम कहाँ से हुआ, ज्यादातर वैसे मुख्यतः यहाँ से माना जाता है कि गौमुख हिम्नत से। भागीरथी नदी का नाम महाराज भगीरथ के नाम से पड़ा है तो इसीलिए उनका ज्यादातर लोग कहते हैं कि गंगा नदी का उद्गम गौमुख या गंगोत्री से हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि गंगा नदी का नाम यहाँ से गंगा पड़ा है देवप्रयाग के बाद से। ठीक है, ऐसे ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।